सो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तों, जिस तरीके से आप टाइटल और थंबनेल देखे भी समझ गए होंगे या फिर जिस तरीके से आप टाइटल या थंबनेल सर्च करके आए हमारे वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरा सटीक जानकारी दिया जाएगा किस तरीके से हम पेटीएम को यूज करके पेटीएम के माध्यम से किसी का अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। अगर दोस्तों, अगर आपको मालूम नहीं है कि पेटीएम अगर आप यूज करते हैं, अगर आपको मालूम नहीं है कि पेटीएम के थ्रू अगर किसी का बैंक अकाउंट अगर आपके पास आया हुआ है तो उस बैंक अकाउंट नंबर डाल के यहाँ पर किस तरीके से पेटीएम से पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। अगर दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कर ले तो यहाँ पर आपको 100% आप सीख जाओगे कि किस तरीके से पेटीएम के अंदर बैंक अकाउंट ऐड किया जाता है और यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करके उसका अकाउंट नंबर डाल के किस तरीके से हम अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे या फिर पेटीएम के अंदर कौन से तरीके से हम पैसे किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सर जानकारी आज के इस वीडियो में दिया गया है, तो ज़रूर वीडियो में एंड तक मेरा वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, साथ ही और घंटी कॉल पर सेट करना, इससे मेरा नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च करना है पेटीएम। सर्च करने के बाद दोस्तों, अगर आपका यहाँ पर अपडेट का इंटरफेस आता है तो फटाफट से आपको लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लेना है ताकि यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर जो भी नया फीचर नया ऑप्शन निकल के आया हुआ है वो आप सभी को मिल सकेगा। तो फटाफट से आपको यहाँ पर अपडेट को चेक कर लेना। अगर आपने अगर लेटेस्ट वर्जन में अगर अपडेट किया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको प्ले स्टोर में आकर लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लेना है। अपडेट करके ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपका इस तरीके से इंटरफेस निकल के आ जाएगा, पेटीएम का होम पेज में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप किस तरीके से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी का बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है यूपीआई मनी ट्रांसफ़र का। यहाँ पर आपको स्कैन एंड पे का ऑप्शन देखने को मिलेगा, टू मोबाइल और कॉन्टैक्ट का, टू यूपीआई ऐप्स का, और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा टू बैंक अकाउंट और सेल्फ अकाउंट का। तो जस्ट आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस निकल के आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको किसी का बैंक अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफ़र करना है, जस्ट यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है इंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स, जस्ट आपको इसमें टाइप करना है। टाइप करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपका बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है उस बैंक अकाउंट को यहाँ पर आप सर्च करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर सेंट्रल बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं सेंट्रल। उसके बाद यहाँ पर जस्ट हम इसमें टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस निकल के आ जाएगा। जो भी आपके पास अकाउंट नंबर है उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर आप इंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड इंटर करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपको आईएफएससी कोड अगर मालूम नहीं है तो जस्ट यहाँ पर आप फाइंड आईएफएससी में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको बैंक सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। जो भी आपका बैंक अकाउंट है, फिर से यहाँ पर सर्च बार में सर्च करेंगे जो भी आपका बैंक अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा बैंक अकाउंट, जिसमें टाइप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आपको अपना स्टेट को सेलेक्ट मतलब सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिटी सर्च करने के लिए बोला जाएगा, तो जहाँ का ब्रांच है उस ब्रांच का सिटी आपको यहाँ पर सर्च करना है। उसके बाद जस्ट आपको इसमें टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका आईएफएससी कोड निकल के आ जाएगा, जस्ट आपको इसमें टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका इस तरीके से इंटरफेस निकल के आ जाएगा। उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने आप फिलअप इस तरीके से हो जाएगा आपका आईएफएससी कोड। उसके बाद जस्ट आपको टाइप करना है प्रोसीड का सेक्शन में। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद जो भी दोस्तों यहाँ पर उस बैंक मतलब जिसका भी आप जिस बंदे का यहाँ पर अकाउंट नंबर होगा उस बंदे का यहाँ पर नाम निकल के आ जाएगा, रिसीवर नेम करके। तो यहाँ पर इसका नेम निकल के आ जाएगा, जस्ट आपको प्रोसीड टू पे में क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से डिटेल निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करने के लिए ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो जितना ही पैसा आपको ट्रांसफर करना है उस बैंक अकाउंट में जस्ट आपको उस अमाउंट को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पे का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जस्ट आपको पे में क्लिक करना है। पे में क्लिक करने के बाद आपके सामने यूपीआई पिन का इंटरफेस निकल के आ जाएगा। जस्ट यहाँ पर जो भी आपका यूपीआई पिन है उस यूपीआई पिन को यहाँ पर आप एंटर करेंगे। जस्ट आपको साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से डिटेल निकल के आ जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से लोडिंग लेगा। उसके बाद दोस्तों, सक्सेसफुल तरीके से आपका पैसा आपका अकाउंट से काटा जाएगा और जो आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट एंटर किया सक्सेसफुल तरीके से पेमेंट चला जाएगा उसका। दोस्तों, अगर वो बंदा अगर आपको अगर आपसे स्क्रीन शॉट मांगता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा बैलेंस एंड हिस्ट्री का। जस्ट आपको इसमें टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस निकल के आ जाएगा। जस्ट नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगा। जस्ट आप उसमें टाइप करेंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके उसे यहाँ पर किसी में मैसेंजर या फिर व्हाट्सअप में कहीं पर भी आप उसे सेंड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप और भी तरीके से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं पेटीएम को यूज कर अगर आप करते हैं तो। यहाँ पर आपको स्कैन एंड पे का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर जस्ट इस पर आप टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पर आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, अमाउंट इंटर करेंगे। यहाँ पर जो आपने यहाँ पर यूपीआई पिन सेट किया उस यूपीआई पिन को आप इंटर करेंगे। उसके बाद जो भी आपका अमाउंट रहेगा सक्सेसफुल तरीके से उस क्यूआर कोड के माध्यम से उसके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है टू मोबाइल एंड कॉन्टैक्ट का। जब जस्ट आप इस पर टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद किसी का मोबाइल नंबर इंटर करके या फिर अगर आपके कॉन्टैक्ट में अगर सेव यहाँ पर उसका अगर उस नंबर पर पेटीएम अकाउंट बना हुआ है तो उस कॉन्टैक्ट में पैसे आप आसानी से ट्रांसफर कर सकेंगे ओनली फॉर मोबाइल नंबर से। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है टू यूपीआई एंड ऐप्स का। जस्ट आप इस पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस निकल के आ जाएगा। अगर दोस्तों किसी दूसरे यहाँ पर
फ़ोनपे या फिर गूगल पे का अगर आपके पास यूपीआई आईडी है, फिर वो बोलता है फ़ोनपे में पैसे मेरे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पर जस्ट आप टाइप करेंगे टू अदर्स यूपीआई ऐप्स में। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा इस प्रकार से। यहाँ पर आपको जो भी उसका यूपीआई आईडी होगा, उस यूपीआई आईडी को आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका अमाउंट रहेगा उस अमाउंट को इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना यूपीआई पिन इंटर करेंगे। उसके बाद सक्सेसफुल तरीके से आपका यूपीआई नंबर के माध्यम से आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पेटीएम को यूज करके किसी का भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर इतने इससे यहाँ पर यूज करके इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा, सारा चीज़ क्लियर समझ में आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। जो भी दोस्तों आपको परेशान है उस दोस्त को अपने वीडियो में शेयर करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।